प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए व चेक करने के लिए 10 क्वेश्चंस की फोर्थ सीरीज। कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? और आपके ऑप्शंस हैं कंगारू, चूहे, दरियाई घोड़ा व चूहे। और सही आंसर है कंगारू, चूहे। कंगारू चूहे रेगिस्तान में पेड़ पौधों की जड़ों खा करके और उन्हीं से पानी प्राप्त करते हैं और अपने पानी की कमी को पूरा करते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं 2, 1, 3 या फिर 4। और सही आंसर है 2। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो लाइट केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलता है। ये दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल रिचार्ज नहीं होता, जबकि सेकेंडरी सेल रिचार्ज किए जा सकते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? और आपके ऑप्शंस हैं थॉमस अल्वा एडिशन, फ्रैंकलिन, मैरी क्यूरी या ग्रहम बेल। और सही आंसर है थॉमस अल्वा एडिशन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। इस महान वैज्ञानिक ने ज़्यादातर पढ़ाई अपने घर पर रहकर ही की और खोज की। प्यारे बच्चों, आपके लिए अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होता है? और आपके ऑप्शंस हैं 40 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, 10 डिग्री पर या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर। और आपके लिए सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इस टेम्परेचर के ऊपर पानी की जो डेंसिटी होती है, जिसे हम मास पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अणु सबसे अधिक स्थिर होते हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं आकाशगंगा, खगोल विज्ञान, ज्योतिष या फिर अंतरिक्ष यात्री। और आपका समय शुरू होता है। और आपके लिए सही आंसर है खगोल विज्ञान, यानी कि जितने भी हमारे ग्रह उपग्रह होते हैं उनकी स्टडी के लिए। के लिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की लगभग दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं 10 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 20 करोड़ किलोमीटर या फिर 25 करोड़ किलोमीटर। और सही आंसर है 15 करोड़ किलोमीटर। आपके लिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है किस चीज पर? आपको ऑप्शंस हैं पृथ्वी की मात्रा पे, पृथ्वी के आकार पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के मान पर या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपके लिए सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वस्तु में उपस्थित जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो मेटेरियल जो इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, वस्तु का जो भार होता है, वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, वो बदलता है। आपके लिए अगला प्रश्न ये रहा, स्वतंत्र रूप से गिरती कोई वस्तु है का भार कितना होता है? mg, 1/2 mg, 0 या फिर 2 mg। प्यारे बच्चों, और सही आंसर है 0, यानी कि जब कोई वस्तु फ्रीली गिर रही है तो उसका जो भार होता है वो 0 होता है। अगर हम उसे किसी में उसका वेट लेते हैं, उसका भार मापते हैं, तो क्यों
क्योंकि दोनों ही सेम गति से जिस चीज से आप माप रहे हैं और वो दोनों सेम गति से आ रहा है। प्यारे बच्चों, आपके कंपटीटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए अगला प्रश्न है, सभी के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? और आपके ऑप्शन से हैं ग्रह, उपग्रह यानी चंद्रमा, सूर्य, कोयला। और आपका टाइम शुरू होता है। और आपका आंसर सही है सूर्य। सूर्य से ही हमें अल्टीमेटली ऊर्जा मिलती है। प्यारे बच्चों, आपके लिए अंतिम 10th क्वेश्चन से है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? और आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, जीवाणु, जंतु, शुतुरमुर्ग का अंडा या इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है। और सही आंसर आपके सामने है, शुतुरमुर्ग का अंडा। प्यारे बच्चों, इसी तरह के सीरीज के लिए सब्सक्राइब कर लें और अपना स्कोर जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।